क्या एलनाबाद की सीट छोड़ रहे हैं अभय चौटाला? क्या चुनाव के लिए कोई और सीट तलाश रहे हैं अभय? क्या उचाना में ढूंढ रहे हैं जीत की संभावना? यूं तो एलनाबाद को इनेलो या यूं कहिए अभय सिंह चौटाला का गढ़ माना जाता था, लेकिन शायद अब परिस्थितियां बदल गई है। चौटाला अब एलनाबाद की जगह उचाना से चुनाव की संभावनाएं देख रहे हैं। प्रदेश में अभय चौटाला के एलनाबाद छोड़ने की चर्चाएं तब चली जब उचाना से उनका ये बयान सामने आया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो उम्मीदवार उतारेगी वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, बाकी पार्टियों के जो उम्मीदवार है वो तो सिर्फ MLA बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चुनाव लड़ा वहां से दो बार, एक बार जीते सरकार बनती तो मुख्यमंत्री बनते, एक बार हार गए। अब फिर हमारा जो कैंडिडेट होगा वो मुख्यमंत्री का ही उम्मीदवार होगा, अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो चुनाव लड़ेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। इस बयान से इतना तो साफ है कि अभय सिंह चौटाला उचाना से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इनेलो के पास उनके अलावा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। दरअसल माना जा रहा है जब से एलनाबाद में मीनू बेनीवाल एक्टिव हुए हैं तब से अभय चौटाला को एलनाबाद में अपनी जमीन ही खिसकती नजर आ रही है। मीनू बेनीवाल ने जिस प्रकार से हल्के में विकास कार्य करवाए हैं उसके बाद से लोगों को लगने लगा है कि कोई प्रतिनिधि है जो क्षेत्र में विकास करवा सकता है। विधायक ना होते हुए भी मीनू बेनीवाल ने सैकड़ों ऐसे काम करवा दिए हैं जिसको लेकर एलनाबाद हल्के के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे। यही वजह है कि मीनू बेनीवाल को अभय सिंह अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी मानते हैं। यही नहीं, राजस्थान के चुनाव में भी भादरा की सीट पर मीनू बेनीवाल और अभय सिंह आमने सामने थे, जिसमें मीनू बेनीवाल समर्थित भाजपा उम्मीदवार को चुनाव में जीत मिली। अभय सिंह समर्थित विधायक बलवान पूनिया को हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मीनू बेनीवाल के राजनीतिक प्रबंधन के सामने हर जगह मात खाने वाले अभय एलनाबाद में नहीं चाहेंगे कि उन्हें हार का सामना करना पड़े। यही वजह है वो कभी जुलाना तो कभी उचाना में जमीन तलाश रहे हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि अभय चौटाला का राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल उनके ऊंट को हर जगह जमीन गीली नजर आ रही है। पॉलिटिकल डेस्क, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।